नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, दैट इज डीबीएमएस कॉन्सेप्ट। इन दैट चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नीड ऑफ डेटाबेस, दैट वाज टू स्टोर द डेटा इन सिक्योर एंड मैनेजेबल वे। एज आई टोल्ड यू बच्चों, डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। In any organization, whenever we want to store the data, huge data, in secure and manageable way, then we are using that databases. बच्चों, market के अंदर database जो हैं वो कई types के available हैं, ठीक है? So first we need to just use the particular database according to our need. So there are two kind of databases available in the market. First is flat file database. Actually it is a modeling of database in which data is stored the data. So bachcho, the first type of database is flat file database. Now the question is, what is flat file database? Student, flat file database are those databases in which data is stored in the form of files. Data is stored in the form of files. These files are very small, which can hold the fixed number of fields without any structure. Okay, so such kind of data is known as the database which is known as flat file database system, in which data is stored in without any structure, just like in Microsoft Excel. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटाबेस बना तो सकते हैं, लेकिन ये जो डेटाबेस होगा इनमें आपका जितना भी डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड स्टोर्ड होगा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, और सॉरी दैट ऐसी सिचुएशन में आपका डेटाबेस आ सकता है जिसमें आप मल्टीपल डेटा को कन्वीनियंटली और रिलायबली एक्सेस नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम सिर्फ रिकॉर्ड्स को टेबुलर वे में शो करने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ डेटाबेस ह्यूज रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने में हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग एन अनादर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। Now the question, sir, what is relational database system? The second type of database system is relational database system, students, in which data is stored in the form of tables. ठीक है, डेटा जितना भी है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, और जब ये डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है तो we can query to it and reliably and that in secure way it stores the data. ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेसेस? रिलेशनल डेटाबेसेस आर दोज स्टोरेज ऑफ डेटा स्टोर डेटाबेसेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड लिंक। दीज टेबल्स आर इंटरलिंक टू ईच अदर और इट मे नॉट बी, ओके, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एमएस एक्सेस आपका, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल, ओरेकल, माई एसक्यूएल एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, नाउ डेटाबेस में सबसे पहला आ रहा है, व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस कंटेन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा। इफ वी आर जस्ट स्पेसिफिकली जस्ट यूजिंग सम डेटाबेसेस, देन वी मस्ट नीड टू हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन आवर माइंड। सो द फर्स्ट टर्म इज टेबल। व्हाट इज टेबल? सिंपली अ टेबल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस। You can also say that a table is a structure in which we are storing the data in the form of row and columns. Whenever the row and columns are to be cross to each other, wherever a place is called data cell. तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक फिगर दे रखा है एक्सरसाइज दैट 2.1 पे, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों गौर से देखिए, सबसे पहला जब हम बात करते हैं टेबल की, टेबुलर वे में डेटा स्टोर करने की, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर बच्चों ये सारे हैं रोज। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज रो एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज कॉलम्स। नाउ द फर्स्ट टेबल, व्हाट इज टेबल? दिस इज कॉल्ड बच्चों टेबल। This table has a unique name, that is called students. इस table का नाम क्या है बच्चों? Students. Students है तो obviously ये students के records को store करने वाली table है। इस table के अंदर बच्चों सबसे पहला element आता है field.
फील्ड क्या होते हैं बच्चों? ऑल द कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज नोन एज फील्ड. सो यू आर हियर विद दिस टेबल, फोर फील्ड्स आर देयर विद दिस टेबल स्टूडेंट. इस स्टूडेंट टेबल के कितने फील्ड्स हैं बच्चों? फोर. कौन कौन से? रोल नंबर, एफ नेम, इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी. नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स आर द रोज इन द टेबल, बट विच रोज एक्सेप्ट फ्रॉम फील्ड नेम. आप ये भी बोल सकते हो द कॉलम हेडर्स. कॉलम हेडर्स जो होते हैं टेबल के, उसको छोड़कर जितनी भी रोज होती हैं, डेटा रोज होती हैं, वो सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स में काउंट होती है. इसीलिए देखो बच्चों, इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं? ओनली थ्री. बिकॉज रो नंबर, एफ नेम, इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी, ये हैं कॉलम हेडर, तो इट विल नॉट बी काउंट. इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो क्या कहलाएगा आपका? रोज. कब? जब वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में होगा. तो गौर से देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में क्या क्या है? एक आपकी ये वाली रो है, सेकंड आपकी ये वाली रो है, और थर्ड आपकी ये वाली रो है. तो ये तीनों ही रो क्या हुई बच्चों आपकी? दैट रिकॉर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर कितने फील्ड हुए? टोटल फाइव फील्ड और थ्री रिकॉर्ड्स. नाउ हम बात करते हैं डेटा की. तो आपने देखा बच्चों, जिस जगह पर आपका, ये देखिए, ये है आपका कॉलम और ये है आपकी रो. जिस जगह पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट होती है, तो वो जो प्लेस बनता है, दैट इज कॉल्ड डेटा सेल. दिस इज द प्लेस, द डेटा सेल इज द प्लेस. जस्ट लाइक दिस इज अ डेटा सेल, इन दिस डेटा नीड टू बी स्टोर. ओके, सो हम टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, और टेबल में कौन सा प्लेस होता है जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है? दैट इज कॉल्ड डेटा सेल. सर, एक डेटा सेल कैसे बनता है? जब रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड बच्चों? बढ़े आगे, चलिए. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा? सिंपली द वर्ड, कैरेक्टर और एनी लिटरल इज नोन एज डेटा, विच वी आर प्रेजेंटिंग इट टू शो द रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो हम आप इंडिविजुअली जब बात करते हैं, जैसे संदीप, संदीप इज अ डेटा, 89 इज अ डेटा, 79 इज अ डेटा, 60 इज अ डेटा, 1 इज अ डेटा, और वेन एवर इट कंबाइनली मेक्स अ इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम अ रिकॉर्ड. ओके, सो आप ये भी बोल सकते हो अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज क्वेरीज. नाउ व्हाट इज क्वेरीज बच्चों? सपोज करो आप लोगों को जब मैं क्लास में आता हूँ, तो क्लास में आने के बाद आई एम जस्ट डिलीवरिंग माई कंटेंट टू यू. मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारा पढ़ाता हूँ, और पढ़ाने के बाद इफ आई लास्ट समथिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम योर साइड, देन इट इज कॉल्ड क्वेरी. ठीक है, मैंने आपको क्या किया, मैंने जितनी भी नॉलेज आप लोगों को दी, उस नॉलेज में से मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है, उस टॉपिक में से मैं कोई भी एक पॉइंट के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, तो उस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे हम? क्वेरी. जस्ट लाइक सेम बच्चों, हमारे MySQL, हमारे जो डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर हम ह्यूज डेटा को स्टोर करते हैं, एम आई राइट? और जब भी हम उस ह्यूज डेटा के अंदर से एक स्पेसिफिक डेटा को इंसर्ट, अपडेट या एक्सट्रैक्ट या डिलीट करने का कोई भी कमांड देते हैं, तो दैट कमांड इज नोन एज क्वेरी. तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले क्वेरीज क्या है डेफिनेशन. सिंपली अ डेटाबेस स्टोर्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बट क्वेरी हेल्प यू टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा. मैंने बोला ना आपको, आपके डेटाबेस के अंदर तो ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है बच्चों, लेकिन उस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा को आपको नहीं देखना, आपको एक स्पेसिफिक या पार्ट ऑफ डेटा उसमें से देखना है. तो आप किसका यूज करते हैं बच्चों? क्वेरीज का. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्स. और आप सबको पता है बच्चों, फॉर्म्स क्या काम करते हैं? जब भी किसी को भी डेटा का इनपुट लेना होता है, तो उसको कन्वीनियंट वे में शो करने के लिए वी आर यूजिंग फॉर्म्स. जैसे सपोज करो, आई नीड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, तो इंस्टीड ऑफ जस्ट आस्किंग इंडिविजुअल डेटा, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू फिल अ फॉर्म. सो इन फॉर्म जनरल एंट्रीज आर टू बी गिवन, दैट टू बी फिल्ड बाय योर साइड. ओके, सो इट इज ईजियर टू यू एंड इट इज कन्वीनियंट टू यू दैट यू कैन फिल द फॉर्म. जस्ट लाइक सेम हमारे डेटाबेसेस के अंदर भी बच्चों, यू डेटाबेस को मोर यूजर्स फ्रेंडली या फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएट करने के लिए वी आर क्रिएटिंग फॉर्म, जिससे डेटा आसानी से इनपुट किया जा सके और डिस्प्ले भी किया जा सके. अंडरस्टैंड बच्चों?
एंड लास्ट इज रिपोर्ट्स. व्हाट आर द रिपोर्ट्स? लेट बच्चों, मैंने थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड मेरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर कर लिए. अब आप में से कोई भी एक जना आके मेरे से बोलता है, सर मुझे टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए. सो वट एवर द एज यू नो दैट माई डेटा बेस स्टोर्स लॉर्ड्स ऑफ डेटा. अबाउट 2000 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे डेटा बेस के अंदर सेव है, बट आई नीड टू शो ओनली द रिपोर्ट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट. तो वट एवर द इंफॉर्मेशन ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट इन माई डेटा बेस, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट. If I'll generate that report, I'll give it to you. As you are asking the data about to the 10th class student only, so I'm not showing you all data of my database. I am just filtering out the 10th class report only. So the information of 10th class report out of my whole database is known as report ya output. Okay, bachcho. Now the next term. That is advantages of database. It will be discussed in next video. Thank you. Have a nice day.